हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकंड ईयर की बायोमैकेनिक्स का यूनिट थर्ड करेंगे। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ये उस चैप्टर का नाम है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने जब आपको काइनेटिक मॉडल कराया था या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कराया था, उसमें क्या था उसको देने के बाद ही ये वाला मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया था। अब ये मैक्सवेल ने दिया क्यों था, जब हमारे पास गैसों का काइनेटिक मॉडल था, तो उसका रीज़न ये था कि जो पहले में थोड़ा सा काइनेटिक जो मॉडल था वो एक बार थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे रही हूँ। तो उसमें हम क्या मान रहे थे कि उसके जो हाइपोथेसिस थे, जो अभी कल्पनाएं थी, वो क्या ले रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरेटिव नेगलिजिबल लिया था, यानी कि नगण्य भाग लिया था। दूसरा क्या लिया था कि किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी भी हो सकती है और वो कैसे है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटीज जो थी v1 v2 v3 कुछ भी vn तक हो सकती है, ठीक है। फिर क्या कह रहे थे कि ये आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में और वॉल के साथ टक्कर कर रहे हैं, टकराने के बाद ये क्या कर रहे थे, सीधी रेखा में गति करते हुए मान रहे थे। अब वो डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, ये सीधी रेखा में कब गति करता हुआ मानते हैं, जब कोई भी बाहर से या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी ये एक सीधी रेखा में गति कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा काइनेटिक मॉडल में, और जैसे ही ये टकराएगा तो इसके वेलोसिटी पार्टिकल का वेग और डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखो, ये तो किसने कहा था, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस ने या गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत ने। तो मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया क्यों, मैक्सवेल ने इसीलिए दिया था कि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो उसके गति की दिशा और वेग क्या बदल रहा है। अब गति की दिशा और वेग बदल रहा है तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो उन अणुओं की संख्या की जिनके वेग की दिशा और परिणाम यानी कि दोनों चीजें बराबर हैं, वो देखने के लिए मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। यानी कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या होती है, आणविक वेग यानी कि अणु का वेग से ले सकते हैं, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सेम, मतलब जितने भी अणुओं की संख्या, मान लो n मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो v वेग से टकराने के बाद क्या है, v वेग से मूव कर रहे हैं, और उनकी इन n जितने अणुओं की संख्या सेम होगी उसको ही दिखाने के लिए, उनको निकालने के लिए यानी कि उतने अणुओं की संख्या को फाइंड करने के लिए मैक्सवेल ने लॉ दिया। क्या कहा मैंने ये कहा कि जो गैसों का काइनेटिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक गैस में जो अणुओं की संख्या थी वो टोटल गैस के कंपैरिजन में उनका वॉल्यूम नेगलिजिबल ले रहे थे, और क्या कह रहे थे कि गैस में अणु जो है एक गैस के अणु एक तरह के हैं लेकिन उनका वेग अलग अलग हो सकता है। ये हमने जब लास्ट लेक्चर्स किए थे उसमें ये डिस्कस किया था, और क्या कहा था कि वो सीधी रेखा में गति, वो आपस में और वॉल के साथ के जिस वेसल में भरी हुई है उसके साथ टक्कर कर रही है गैस के मॉलिक्यूल्स, और टकराने के बाद क्या है सीधी रेखा में ही गति कर रहे हैं। तो मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया ये देखने के लिए कि कितने अणु ऐसे हैं जो टकराने के बाद किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट तो नहीं है, सेम वेलोसिटी से और डायरेक्शन भी सेम है यानी कि एक समान वेग के परिणाम और दिशा से गति कर रहे हैं, उन अणुओं की संख्या को निकालने के लिए मैक्सवेल ने अपना एक लो दिया था जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स लो ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक बार मैं हेडिंग बना देती हूँ, मैक्सवेल्स लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल के आणविक वेग के वितरण का नियम, आणविक वेग के वितरण का नियम यानी कि इसको देखने के लिए कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो टकराने के बाद उनकी नंबर निकाली, जिसको मैं dn कह रही हूं, तो dn मॉलिक्यूल्स कुछ या n ले लो चलो, कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेम वेग से टकराने के बाद गति कर रहे हैं, तो वेग की जगह मैक्सवेल ने ले लिया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि CRMS वैल्यू ले ली।
तो मैक्सवेल ने क्या किया कि किसी टेम्परेचर टी पर, टी को क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर, और वेलोसिटी देखो सेम वेलोसिटी तो नहीं कर सकते ना अपने फाइंड, इसलिए मैक्सवेल ने क्या किया एक वेलोसिटी रेंज ले ली सी एंड सी प्लस डी सी, ये क्या है वेग पर आसर, वेलोसिटी रेंज। कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, उसकी इसने क्या कहा कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर और किसी वेग पर आ सी और सी प्लस डी सी पर, इस वेलोसिटी रेंज में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की संख्या और मॉलिक्यूल्स की संख्या एन और उनका सी आर एम एस क्या है सेम है, यही क्या हुआ इसका स्टेटमेंट किसका, मैक्सवेल के वेग वितरण का नियम। और अब करना क्या है, मैक्सवेल के वेग वितरण के नियम में उन अणुओं की संख्या निकालनी है जिनका वेग सेम है, तो हम क्या एन निकालेंगे, जिसको डी एन लिखेंगे तो वो एक ही बात है, यानी कि हम निकाल क्या रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं जिनका सी आर एम एस या वेलोसिटी क्या है सेम है, इसके लिए उसने कोई एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रेंज ले ली सी और सी प्लस डी सी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए मैक्सवेल ने अपनी कुछ हाइपोथेसिस दी है, अभी कल्पनाएं दी। सबसे पहली बात एक बार इसका आपको स्टेटमेंट मैं फिर से बताती हूँ कि है क्या है मैक्सवेल वेलोसिटी, मैक्सवेल के आणविक वेग वितरण का नियम क्या है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर और किसी वेग पर आसपर सी और सी प्लस डी सी में अणुओं की संख्या और उनका वर्ग माध्य मूल मान जो है वो सेम रहता है, ये अपने मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेटमेंट दिया, यानी कि ये क्या है मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम है। तो इसके लिए इसने हाइपोथेसिस क्या दी, इसने क्या कहा कि एक गैस जो है वो बहुत सारे, एक गैस ले ली कोई भी गैस और उसमें क्या है अणुओं की संख्या मान ली एन वो बहुत ज्यादा है, यानी कि पहले हम क्या कर रहे थे जब हम काइनेटिक थ्योरी कर रहे थे उसमें हम क्या आइडियल केस ले रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि गैस जो है मान लो कि ये एक वेसल है इसके अंदर क्या है गैस भरी हुई है, और इसने क्या कहा था एक तो ये केस बनता है यानी कि ये जो है इसमें इस पूरे के पूरे वेसल में यहाँ तक गैस भरी हुई है और इस गैस में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ तो स्थान ये भी घेरेगा इस गैस में, मतलब इसके कंपैरेटिव में इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, ये तो क्या है एक रियल केस है, यानी कि रियलिटी में तो यही होता है, जबकि जो अपने जो काइनेटिक मॉडल कर रहे थे उसमें इतने ही बड़े वेसल में सिर्फ तीन या चार मॉलिक्यूल्स हैं, अब इतने बड़े वेसल में सिर्फ इनका वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो क्या था काइनेटिक मॉडल में क्या कहा गया था या काइनेटिक थ्योरी में, जबकि रियलिटी में ऐसा ना होने के कारण ही आपके पास रियल गैस इक्वेशन बनी थी, जब हम ये वाला चैप्टर कर रहे थे तब जब हमने रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल गैस इक्वेशन निकाली थी तब हमने कहा था कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरेटिव में नेग्लिजिबल ना होने के कारण वी माइनस डी किया था, वो जो रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल गैस इक्वेशन थी। तो इसने भी क्या किया मैक्सवेल ने भी ये वाला केस ना लेकर के, इस तरीके का केस ना लेकर के ऐसा केस लिया कि मतलब गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि टोटल वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम है उसमें अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर इसने क्या किया कि जो वॉल्यूम था वी उसको किसी आयतन अल्पांशों में बांट लिया, वॉल्यूम एलिमेंट्स में बांट लिया, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लिए और हर एक वॉल्यूम एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स की संख्या इसने क्या कर दिया कि समान ले ली। ये क्या है मैक्सवेल की हाइपोथेसिस है, इसकी अभी कल्पनाएं हैं। पहली क्या है इसने कहा कि किसी भी वॉल्यूम में अणुओं की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, गैस ले लूं या मैं वॉल्यूम क्या लूं एक ही बात है, गैस भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो यानी कि किसी वॉल्यूम में अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब हम रियल गैस की तरह बिहेव करवा रहे हैं, आइडियल केस नहीं ले रहे हैं जिसमें हम वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं अणुओं की संख्या के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा क्या किया इसने, क्या उस वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट्स में बांट दिया और हर एक वॉल्यूम एलिमेंट्स में ऐसा वॉल्यूम एलिमेंट लिया, इसने अपनी अभिकल्पनाएं दी है और उसने क्या कहा कि हर एक वॉल्यूम एलिमेंट में जो डेंसिटी है मोलिक्यूलर डेंसिटी मॉलिक्यूलर डेंसिटी मतलब आणविक घनत्व, अब
अब देखो आणविक घनत्व क्या है, सेम लिया। आणविक घनत्व को हम क्या कह सकते हैं, देखो डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहली बात मैं अगर मास डेंसिटी करूं तो वो क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व करूं तो वो होता है m/v, जिसको मैं रो या डी लिख देती हूँ, ठीक है कुछ भी ले लो, रो ले लो चाहे यहाँ। तो वैसे ही अगर मैं नंबर डेंसिटी लूँ तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, मैंने मान लो n ले ली, तो वो क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मास लिया था तो मास ले लिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर में वॉल्यूम वी लूंगी, तो मॉलिक्यूल जो आणविक घनत्व है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, उसके समान होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वी को, आयतन को यूनिट ले लूं, एकांक ले लूं, यूनिट ले लूं, तो जितने भी उनका द्रव्यमान घनत्व होगा वो अणुओं की संख्या के समान होगा, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो अणुओं की संख्या क्या उस आयतन अल्पांश में समान ले ली। पहली इसकी हाइपोथेसिस या जो भी इसने अपने अभिग्रहित लिए वो क्या था कि किसी भी वॉल्यूम में अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरा क्या लिया, उस वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट में बांटा, और कैसे बांटा कि हर एक वॉल्यूम एलिमेंट में अणुओं का घनत्व, आणविक घनत्व या फिर एकांक आयतन पर अणुओं का संख्या जो है वो सेम है। फिर दूसरी इसने क्या ले ली, पहली दूसरी और तीसरी, तीसरी अभिकल्पना इसने क्या ली कि हर एक जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसमें अणुओं का वेग कुछ भी हो सकता है, वी अलग अलग हो सकता है, यानी कि एक वॉल्यूम एलिमेंट में तो अणुओं का वेग सेम होगा लेकिन किसी दूसरे के कंपैरेटिव में अलग अलग हो सकता है। मतलब जैसे काइनेटिक मॉडल में लिया था कि किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेग कुछ भी हो सकता है, वैसे ही इसने लिया कि ये वेग भी जो है हर एक आयतन अल्पांश में कुछ भी हो सकता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो ये था तीसरा, और चौथा इसने क्या लिया कि ये जो हर एक मॉलिक्यूल है वो कैसा है, इलास्टिक है, वो कैसा है, एक प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव कर रहा है। प्रत्यास्थ है अगर कोई चीज, प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब जो टक्कर होगी वो कैसी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, और अगर कोलिजन इलास्टिक होगी तो मतलब एनर्जी का लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का लॉस क्या है, जीरो। तो ये हुई हमारी चौथी अभिकल्पना। फिर पांचवी अभिकल्पना क्या ली, पांचवी इसने क्या ले ली थी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में और वॉल्स के साथ और आपस में क्या है, टक्कर कर रहे हैं, यही करते हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोई गैस भरी हुई है तो वो भी लगातार टक्कर करेंगे, वैसे ही इसने भी ले लिया कि ये आपस में और वॉल की दीवारों के साथ टक्कर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ये जो टक्कर है वो कैसी है, लीनियर है, सीधी रेखा में, जैसे कि काइनेटिक मॉडल में लिया था, काइनेटिक थ्योरी और गैसेज या गैसों के गतिमक सिद्धांत में लिया था, वैसे ही इसने ले लिया कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। और सातवीं जो मैक्सवेल ने अपनी अभी ये जो अपने लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने कैसे ले लिया, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी एंड वेलोसिटी रेंज सी और c+dc में अणुओं की संख्या जितनी भी है वो सेम है। ये तो अपने इसने स्टेटबर्ग में भी, यही तो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इस वेलोसिटी रेंज में कि अणुओं की संख्या और उसका CRMS क्या सेम, और एंड में हमें निकालना भी क्या है, उस dn की वैल्यू निकालेंगे कि dn क्या है, कि इस रेंज के अंदर जो इसने रेंज ली थी, इस रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है जिनका की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो एक बार मैं आपको इसका फिर से बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या किया और मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया क्यों। तो मैक्सवेल ने क्यों दिया, क्योंकि काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या है, गैस के अणु जो है वो आपस में लगातार आपस में और वॉल्स के साथ जिस रसायन के अंदर भरी हुई है उसके साथ क्या ये टक्कर करेंगे दीवारों के साथ, और जैसे ही टक्कर करते हैं तो सीधी रेखा में गति करेंगे, और टकराने के बाद क्या उनकी मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी, गति की दिशा, और हो सकता है वेलोसिटी भी चेंज हो। तो मैक्सवेल ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया ये देखने के लिए कि कितने अणुओं की संख्या ऐसी है जो सेम वेलोसिटी से मूव कर
चली है, यानी कि जिनका वेग जो है वो टकराने के बाद समान हो जाता है। तो मैक्सवेल का जो वितरण आणविक वेग वितरण का नियम है वो क्या कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर और किसी एक वेग पर सी और सी प्लस डी सी पर अणुओं की संख्या और उनका वर्ग माध्य मूल मान वेग का जो सी आर एम एस है वो क्या है नियत रहता है। तो इसके लिए इसने अपने कुछ अभिग्रहित दिए। पहला क्या दिया कि किसी भी वॉल्यूम में अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा क्या किया, उस वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट्स में बदला, वो भी वॉल्यूम आयतन अल्पांशों में बांट लिया। वो कैसे कि उनका आण्विक घनत्व क्या है सेम है। आण्विक घनत्व का मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या समान। फिर तीसरा क्या लिया कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसमें अणुओं का वेग कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। चौथी क्या ली कि ये जितने भी अणु हैं वो कैसे हैं, इलास्टिक है, इलास्टिक स्फीयर की तरह प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर वो प्रत्यास्थ गोले की तरह बिहेव करते हैं और नॉर्मल सी बात है वो टकराएंगे भी, और टकराने पर कोलिजन भी कैसी हो जाएगी, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या, एनर्जी का लॉस क्या है, जीरो हो जाएगा। पांचवी क्या ली कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में और बॉल के साथ दीवारों के साथ क्या टकराएंगे, और टक्कर के बाद ये कैसी है सतत जो है कॉन्टिन्यूसली टकरें चलती रहेंगी और कैसे मूव करेंगे, एक सीधी रेखा में मूव करेंगे। और लास्ट इसकी हाइपोथेसिस क्या है जो कि इसका स्टेटमेंट ही था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर और किसी वेलोसिटी रेंज सी एंड सी प्लस डी सी पर अणुओं की संख्या जो है वो समान रहती है। तो ये तो ये हुई हमारी थ्योरी। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे जिसमें हमें करना क्या है डी एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करते हैं, अब मान लिया कि मैंने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पर प्रति एकांक आयतन पर यूनिट वॉल्यूम में एन है। तो देखो ये क्या मान लिया, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल अणुओं की संख्या मैंने एन मान ली, और सी एंड सी प्लस डी सी हम वेलोसिटी रेंज ले रहे हैं, इस रेंज में मैंने मान लिया कि अणुओं की संख्या डी एन है, यानी कि डी एन अणु ऐसे हैं जो सी और सी प्लस डी सी वेग के बीच के वेग से क्या गति करते हैं। तो देखो dn मैंने क्या माना, इस वेलोसिटी रेंज में अणुओं की संख्या, और n मैंने मान लिया पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो। तो देखो c और c प्लस dc वेलोसिटी रेंज में, यानी कि इस वेग पर आस के में जितने भी अणु गति कर रहे हैं, यानी कि जिसका वेग क्या है इस वेलोसिटी रेंज के बीच का आएगा, तो उन अणुओं की अगर मैं प्रायिकता देखूं तो वो क्या आ जाएगी, प्रायिकता क्या होती है फेवरेबल ओवर में टोटल, यानी कि जो हमें चाहिए वो डिवाइड में किसके है टोटल अणुओं की संख्या। तो फेवरेबल क्या है डीएन, यानी कि डीएन ही उतने अणु हैं जो इस वेलोसिटी रेंज में मूव कर सकते हैं, तो फेवरेबल क्या हुआ डीएन, और टोटल क्या है एन। तो ये हुई हमारी प्रायिकता जो कि क्या कर रही है इस वेलोसिटी रेंज में गति कर सकती है। तो उन अणुओं की संख्या या प्रायिकता क्या हुई डीएन ओवर में एन, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ भी मैंने मान लिया कि कोई एक पार्टिकल है वो क्या सी वेव से गति कर रहा है, ये मैंने फ्रेम वैसे दिखाया, ये आप मत दिखाओ तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि देखो अगर वैसल में भी भरा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, और अगर वॉल्यूम है तो वो 3D की तरह है, यानी कि उसमें तीनों डायरेक्शन हो सकती है एक्स वाई जेड, इसीलिए मैंने एक्स वाई जेड दिखाया। और टोटल वेव मैंने मान लिया सी है किसी भी एक अणु का, तो x दिशा में मैंने मान लिया u वेग से, y से में v से, और z में w वेग से गति कर रहा है। अलग अलग वेग हो सकता है, तो मैंने x y और z डायरेक्शन में वेग क्या है अलग अलग ले लिया, क्या ले लिया u v और w, यानी कि c वेग से x y और z दिशा में गति करने वाले अणु का वेग क्या हो गया u v और w। अगर मैं c प्लस dc वेलोसिटी की बात करूं वो x से गति कर रहे हैं तो उसका वेग क्या हो सकता है u प्लस डी यू, क्योंकि मैंने अब वेलोसिटी कैसे ली c प्लस डी सी, तो वैसे ही यहाँ u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और w प्लस डी डब्ल्यू यही हो सकती है। अगर मैं जिस तरीके से वेलोसिटी ले रही हूँ वैसे ही मैंने x y z डायरेक्शन में अणु किस वेग से गति कर सकते हैं वो मैंने लिख दिया। अगर मैं बात करूँ इस वेलोसिटी रेंज की, यानी कि c एंड c प्लस डी सी की बात करूँ, तब x y z डायरेक्शन में मूव करने वाली अणुओं की वेलोसिटी क्या हो सकती है u एंड u प्लस डी यू, यानी कि x दिशा में तो वो इस वेग के प्रभाव से गति कर सकते हैं, और y में किससे कर सकता है v एंड v प्लस डी वी, और w z में किससे कर सकता है w एंड w प्लस डी डब्ल्यू,
इसी वेग पर आज से गति कर सकता है। अगर मैंने पूरी रेंज ले ली तो उसकी रेंज इसके जैसे बना दी। तो देखो अब मैं क्या मानती हूँ कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो यू वेग यू एंड यू प्लस डी यू वेलोसिटी रेंज के हैं और एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन का था तो एक्स दिशा में गति करते हैं। तो इस वेलोसिटी रेंज में आने वाले अणुओं की जो एक्स दिशा में गति करते हैं उसकी प्रायिकता मैंने मान ली एफ यू डॉट डी यू। एफ यू क्या है, मैंने फंक्शन लिया है यू का, प्रोबेबिलिटी जो है अगर अणुओं की संख्या की बात करते हैं तो वो एल की तो फंक्शन ही वैसे ही मैंने इस वेलोसिटी रेंज में लिया तो उसको मैंने फंक्शन बना दिया इसी वेलोसिटी का। सिमिलरली अगर मैं वाई की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, एफ वी डी वी। एफ वी डी वी क्या है, यानी कि वाई दिशा में वेग परास वी और वी प्लस डी वी वेग परास से गति करने वाले अणुओं के वेग की, यानी कि यही वेलोसिटी रेंज में इतना वेलोसिटी इस रेंज के बीच का वेग होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं जेड की देखूं जिसमें वेलोसिटी रेंज क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, उस रेंज में मूव करने वाले अणुओं की संख्या जिसका वेग इस रेंज के बीच का होगा, जेड दिशा में मूव करे और वेग इस रेंज के बीच का हो तो वो कितनी हो जाएगी, एफ डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू। सिमिलरली अगर मैं सी और सी प्लस डी सी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, एफ सी डॉट डी सी। अब मैंने एक्स वाई और जेड ना डायरेक्शन लिखी क्योंकि सी क्या शो कर रहा है, पार्टिकल का पूरा वेग जो किसी भी दिशा में हो सकता है, इसीलिए मैंने डायरेक्शन नहीं की। तो देखो यहां से अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालू एफ सी डी सी, यानी कि इस वेग परास के होने का, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इस वेलोसिटी रेंज के बीच के होने की और गति करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल मोशन में है उसकी वेलोसिटी जो है वो इस रेंज की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ सी डी सी। तो वो किसके इक्वल हो सकती है, यू डायरेक्शन जितना वो एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। तो मैंने तीनों प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। तो ये टोटल को शो कर सकता है और एक हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है ही है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एफ सी डी सी किसके इक्वल आ रहा है, एफ सी डी सी इक्वल्स टू एफ यू डी यू डॉट एफ वी। इसको एक मिनट छोड़ो, यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि मैंने क्या माना कि पर यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या n है और वेग पर आज सी और सी प्लस डी सी में, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है उनकी वेलोसिटी इस रेंज के बीच में हो उसकी संख्या मैंने मान ली डी एन। तो इस रेंज में अगर अणुओं की संख्या डी एन है तो इस रेंज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी एन ओवर में एन, यही होता है फेवरेबल ओवर में टोटल। तो वो कर दिया। अब मैंने मान लिया कि किसी मॉलिक्यूल का वेग तो है सी और वो एक्स वेव अलग अलग हो सकते हैं, ये इसकी हाइपोथेसिस थी। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने मान लिया यू, वाई में वी और जेड में डब्ल्यू, तो सी इस तरीके का हो गया। यहाँ से एक चीज पता चलती है कि सी स्क्वायर किसके इक्वल है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। स्क्वायर लेने का भी मतलब ये होता है कि प्लस एक्स माइनस एक्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसको भी एक दे दो इक्वेशन नंबर, इसको चलो टू दे दो, उसको थ्री कर दे। तो यहां से देखो फिर मैंने क्या किया, अगर C में इस वेलोसिटी से जा रहे हैं तो C प्लस DC में वेलोसिटी ये हो जाएगी और अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो रेंज उसी तरीके की मैंने लिख दी। तो देखो मैंने क्या कहा कि कोई मॉलिक्यूल वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मूव करने वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस रेंज की हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एफ यू डी यू। सिमिलरली वाई जेड और सी और सी प्लस डी सी रेंज का निकाल लिया तो टोटल प्रोबेबिलिटी को मैंने लिख दिया। अब देखो मेरे पास एक तो प्रोबेबिलिटी ये बनी और एक मेरे पास ये है, तो इक्वेशन वन और थ्री से क्या मुझे पता चलेगा कि एफ सी डी सी किसके इक्वल हुआ, डी एन ओवर में एन, जो कि किसके इक्वल है, एफ यू डी यू डॉट एफ वी डी वी और क्या है, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू के। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और
एफ सी डी सी इक्वल्स टू फंक्शंस को मैं एक साइड ले रही हूँ और ये जो डी सी है वैसे ही डी वी डी डब्ल्यू डी जो है डी यू उनको एक साइड ले रही हूँ। वो किसके इक्वल था? डी एन ओवर में एन के। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूँ सिर्फ इतने इतने पार्ट को, यहां से देखने पे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ सी वो किसके इक्वल हो सकता है? एफ यू डॉट एफ जी डॉट एफ डब्ल्यू के। फंक्शन को मैंने फंक्शन के इक्वल लिख दिया। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन से अगर इक्वेट करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि एफ जो डी सी है वो किसके इक्वल है? डी यू डॉट डी वी डॉट डी डब्ल्यू के। तो ये एक टाइप से वॉल्यूम एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यही होता है डीएक्स डीवी डीडब्ल्यू तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये तो क्या वॉल्यूम एलिमेंट की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं, है नहीं है वैसे तो, क्योंकि वैसे तो ये वास्तव में क्या है वेलोसिटी को शो कर रहा है, लेकिन ये दिख कैसा रहा वॉल्यूम एलिमेंट की तरह। और ये जो एफ सी ये जो है इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो ये फंक्शन ही है तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल्स वेग वितरण फलन। तो इसको ले दो ना इक्वेशन नंबर फोर, इसको ले दो फाइव, इसको ले दो इक्वेशन नंबर सिक्स। अब देखो आपको क्या पता है कि सी जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो कैसी होती है? कांस्टेंट है। सी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। और सी जो है वो फंक्शन, फंक्शन एफ किसका फंक्शन है? सी का। अगर सी खुद ही कांस्टेंट है तो फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फाइव, तो मैं इक्वेशन पांच का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो ये तो सीधा जीरो आ जाएगा। तो मैं पहले वो वाली टर्म लिखती हूँ, पहले मैं क्या कर देती हूँ यू का करती हूँ, एफ डैश यू हो जाएगा, इसका करूंगी डैश लगा सकती हूँ तो, या फिर मैं डी एफ यू और मैं डी यू लिख सकती हूँ, जो भी है। तो मैंने डैश लगा दिया डिफरेंशिएशन को शो करते, बाकी की टर्म पड़ी है। यू का करूंगी तो एक मेरे पास डी यू बनेगा, प्लस वैसे ही मैं वी का कर देती हूँ एफ यू एफ डैश वी, यानी कि इसका डेरिवेटिव किया अवकलन किया तो डी वी भी साथ में आ, प्लस एफ यू एफ वी डॉट डब्ल्यू वाले फंक्शन का डी किया तो एफ डैश डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू। और एफ सी मेरे पास क्या है? कॉन्स्टेंट है तो एफ डैश सी डॉट डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो इसको दे दो एक इक्वेशन अलग, इसको मत दो, चलो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ यू एफ वी और एफ डब्ल्यू तीनों के फंक्शन का डिवाइड लगा देती हूँ ताकि ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं जो भी आ रहा है वो सब कट जाए। तो मैं इस वाली पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड लगा रही हूँ? एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू से, तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड लगा रही हूँ इस इक्वेशन को। तो देखो अगर मैं इसमें लगाती हूँ पहले वाले टर्म में एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू का, तो मेरे पास क्या एफ वी और एफ डब्ल्यू कट जाएगा, क्या बचेगा? एफ डैश यू ओवर में एफ यू डॉट डी यू, प्लस वैसे ही इसमें लगाऊंगी तो एफ यू एफ डब्ल्यू बच जाएगा, यानी कि जिसका डेरिवेशन जिसका अवकलन करें डिवाइड में वही चीज़ बनाऊंगी, ये वी है। प्लस सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा? एफ डैश डब्ल्यू ओवर में एफ डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या? जीरो। जीरो में डिवाइड लगाओगे तो क्या रहेगा? जीरो। इसको एक इक्वेशन दे दो नंबर सेवन। तो देखो अभी हमें क्या पता है, एक मैंने इक्वेशन नंबर टू क्या लिखी थी, अब इक्वेशन टू मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। इक्वेशन टू मैंने क्या लिखी थी कि सी वेलोसिटी से एक्स वाई डैश जेड डायरेक्शन में किस वेव से मूव कर रहा कोई भी अणु यू वी और डब्ल्यू से, तो वहां से क्या होता है सी स्क्वायर किसके इक्वल है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के। ये तो मेरी इक्वेशन नंबर टू थी। तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो बाय डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू, इसका रीजन क्या है, मैं इसका अवकलन करूंगी तो मेरे पास फिर से यहाँ पर करती हूँ तो डी यू डी वी और डी डब्ल्यू बन रहा है, जैसे कि हमारे पास इस वाली इक्वेशन में डी यू डी वी और डी डब्ल्यू बन रहा था इसीलिए किया।
तो इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, तो ये वाले टर्म को पहले मैं लिख रही हूँ। यू का करती हूँ क्या आएगा, टू यू, यू स्क्वायर का किया तो डॉट डी यू बचा, प्लस वी स्क्वायर का करती हूँ तो टू वी डॉट डी वी प्लस टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू सी जीरो है, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या करती हूँ, इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं, ये सॉल्व करने का तरीका है बीटा बाय टू से मल्टीप्लाई करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने का एक तरीका है ये। आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि कहाँ किस चीज का मल्टीप्लाई करा है, किस तरीके की हमने स्टेप करे है। तो बीटा बाय टू का मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा सब जगह, तो मेरे पास क्या आएगा, बीटा यू डॉट डी यू प्लस बीटा वी डी वी प्लस बीटा डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो के साथ इसका मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, जीरो। वो इक्वेशन सेवन दी हुई थी, इसको दे देती हूँ इक्वेशन एट। अब मेरे पास इक्वेशन सेवन में भी डी यू डी वी डी डब्ल्यू आ रहा है, वैसे ही इक्वेशन एट में भी आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन का, इक्वेशन सेवन को और इक्वेशन एट को ऐड कर देती हूँ। इक्वेशन सेवन प्लस इक्वेशन एट, ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि बीटा बाय टू का मल्टीप्लाई करके फिर मैंने ऐड किया, तो जब ऐड करती हूँ तो क्या बना मेरे पास, क्या था, एफ डैश यू ओवर में एफ यू डॉट डी यू प्लस डी यू वाली टर्म को मैं डी यू कॉमन ले देती हूँ, तो प्लस में क्या बन जाएगा, बीटा यू डॉट डी यू, डी यू मैंने क्या है कॉमन ले दिया, यहाँ पर भी डॉट डी यू में था और इधर भी था। अगर आपको करना है तो आप दोनों स्टेप को लिखना और फिर डी यू कॉमन लेना ना, वरना डायरेक्टली को तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो क्या बना, एफ डैश वी डॉट एफ वी प्लस बीटा वी डॉट डी वी प्लस एफ डैश डब्ल्यू ओवर में एफ डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू ओवर डॉट में डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो था, दोनों साइड जीरो है तो जीरो जीरो हो गया। अब देखो इस पूरी इक्वेशन के जीरो होने का मतलब क्या है, कि ये टर्म भी जीरो है, ये टर्म भी जीरो है और ये टर्म भी जीरो है, तभी जीरो आया। अलग अलग ये तीनों जीरो है इसीलिए तो इनका सम जीरो आया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि एफ डैश यू ओवर में एफ यू प्लस बीटा यू डॉट डी यू क्या है, जीरो है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, एफ डैश यू ओवर में एफ यू डॉट डी यू किसके इक्वल है, माइनस बीटा यू डॉट डी यू की, यही पता चल रहा है इसको। सिमिलरली ये वाली टर्म भी वैसे बन जाएगी, एफ डैश वी ओवर में एफ वी डॉट डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बीटा, यहां पर लिख रही हूँ माइनस बीटा वी डॉट डी वी, तो एफ डैश वी डॉट एफ वी डॉट डी वी किसके इक्वल आया, माइनस बीटा वी डॉट डी वी के। और वैसे ही एफ डैश डब्ल्यू ओवर में एफ डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू किसके इक्वल आया, माइनस बीटा डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू के। इनको दे दो इक्वेशन नंबर नाइन थे, इसको दे दो नाइन बी, इसको दे दो नाइन सी, यहाँ तक जो है। अगर आप इसको जीरो के इक्वल पुट करके फिर मल्टीप्लाई करके माइनस में करोगे तब भी यही बनेगा, डायरेक्ट स्टेप लिख दोगे तब भी यही बनेगा। ये टॉपिक बहुत लंबा है तो आप डायरेक्ट लिखने की ट्राई करना। और फिर अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमने जो बीटा लिखा है ये हमने अपनी तरफ से कुछ लेट किया था, और जो भी चीज़ हम अपनी तरफ से लेट करते हैं उनको क्या हम की वैल्यू पुट करते हैं। तो आगे वाले लेक्चर्स में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर कोई और कॉन्स्टेंट्स भी बनेंगे ए और बी, उन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। एक जगह पे ना हम बीटा बाय टू की वैल्यू लिखेंगे, इसको हम सिर्फ सिंप्लीफाई लिखने में ईजी करने के लिए बी लिख देंगे इसकी जगह, तो वो जब करेंगे तब देखेंगे। अभी तक आपने जो टॉपिक किए इन इक्वेशंस को नोट डाउन रखना, कल हम डायरेक्ट यहाँ से यूज करेंगे। आई होप कि जो मैंने आज टॉपिक करवाया वो आप सबको क्लियर हो गया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।